सा नहीं कर दी पावे मैनू सूलियो ते टंगो रेम्बो 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 हुआ रेम्बो 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 हुआ लेला हो लेला ब्यातर भरा सेला मिजाजी लेला मिजाज बहुत हिट हुआ था उस जमाने और शेख के सामने आज भी बड़ा अब भी हिट है वो सब लोग गाते हैं और उसी की कॉपी करते हैं तो बलोची स्टाइल का वो गाना था तो वो बकरानिया वकरानिया जो रिजेंट प्लाजा में सेट लगा हुआ और मुझे ले गए ड्रेस व्रेस बनाया तो मैंने उसमें कुछ करतब अपने योगा के दिखाए ये जब बाल में हिलाना चाह रहा हूँ तो नहीं हिल रहे थे क्योंकि सर्दी इतनी सी सभी में अब ये मेरा स्टाइल होता ही है ये चीज ये अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन प्रोग्राम टी टाइम के साथ मैं हूं राहिल बेग जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स समेटी हैं और उनका ताल्लुक फनून लतीफा से होता है और आज के प्रोग्राम में एक ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं वो एक्टर भी हैं कोरियोग्राफर भी हैं योगा एक्सपर्ट भी हैं उसके साथ साथ शो ऑर्गेनाइजर भी हैं फिल्म टीवी स्टेज और थिएटर इन तमाम जगहों पर अपने फन से अपने अपना ना कि सिर्फ नाम बना सके हैं बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन किया है पाकिस्तान से बाहर भी अपने फन के जरिए अपनी एक मुनफरद पहचान बनाए हुए हैं तो आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मारूफ इंटरनेशनल स्टार अमजद राणा से अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप ठीक है राहिल बिल्कुल ठीक ठाक अमजद भाई आप बताइए कैसे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह जगाया टी टाइम में और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके पूरे यूनिट से मिला हूँ और बड़ा खुशी हो रही है बिल्कुल और इन दिनों आपकी क्या मसरूफियात हैं अपनी मसरूफियात के बारे में बस मसरूफियात यही है कि अभी एक इवेंट है मेरा जो कि 6 मार्च को है पैरे ऑडिटोरियम में तो उसको हम लोग कर रहे हैं राजा शबकत तारा साहब के साथ मिलकर और अरशद कुरैशी साहब साथ हैं इसमें बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम होता है एक पाकिस्तान हीरो अवार्ड बिल्कुल जो हीरो अवार्ड की बात हो रही है आप भी अपने फन के हीरो हैं अच्छा पाकिस्तान में कैंडल डांस पहली बार आपने इंट्रोड्यूस करवाया तो ये आइडिया किस तरह से आया और ये तकरीबन 3-2.5 पहले का सिलसिला है बल्कि इससे भी ज्यादा बहुत साल गुजर गए मगर कैंडल डांस उस वक्त एक बहुत यूनिक चीज थी तो किस तरह से आइडिया आया और किस तरह से आपने इन तमाम चीजों को तख्लीक किया एक्चुअली देखे ये गॉड गिफ्टेड होता है जो भी आइडियाज आते हैं पता ही नहीं चलता जो भी ऐसे जो क्रिएटर माइंड जो इस अपने ज़माने में जो गुजरे हैं लोग जिन्होंने दुनिया में नाम पैदा किया है वो उनको भी नहीं पता होता था कि वो क्या करना चाह रहे हैं क्या बनना चाह रहे हैं तो बनना कुछ और चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं तो आप क्या बनना चाहते हैं तो मैं तो बनना चाहता था उस ज़माने में 80s से पहले यानी कि 70s और 80s से पहले सिंगर एंड एक्टर ठीक है ना तो उस ज़माने ब्रोसिल साहब की बहुत फिल्में आती थी ठीक है ना तो खैर मेरे जो बड़े भाई हैं वो उसको फॉलो करते थे कराटे वगैरह ये वो तो मैं तो मेरे का 2-3-4-5 साल का होता था तो बीच में कूद जाता था फाइट में तो बड़ी पिटाइयाँ हुई है बस शरारते हुई है करते 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 हमें शौक तो वो एक्टिंग का ही था चाइल्ड स्टार अच्छा उसी दौरान मैंने 10-12 साल की उम्र में हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है जहाँ पर बड़े बड़े लेजेंड एक्टर्स मोहम्मद अली साहब मुस्तफा कुरैशी साहब हमारे सिंगर सलीम जावेद भाई तो इस टाइप के आर्टिस्ट और शाह नवाज गमन साहब नादर बलोचा बहुत से ऐसे नाम है खैर वो लंबी हो जाएगी तो खैर मैं उसी शहर से मेरा ताल्लुक है और जब ये कि मुझे शौक एक्टिंग का था तो ये अपने मंजूर मुराद भाई गुलाब चांडू इनके मैं वहाँ पर जब भी हैदराबाद में कोई ड्रामा प्ले होता था तो मैं उसमें चाइल्ड स्टार के रोल करता था और सिंधी बोलता था मैं हालांकि मेरी जबान है वो उर्दू ही है लेकिन क्योंकि लाजमी सिंध में रहते हैं तो वो आ जाती है तो खैर मुझे बड़ा अच्छा लगता था एज ए एक्टर मैं आ रहा हूँ दूर तक कोई डांस का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो करते करते फिर मैं सिंगिंग का शौक हुआ तो सिंगिंग तो इतना नहीं लेकिन एक्टिंग में मैं ज़्यादा रहा सिंगिंग भी थी लेकिन करते करते जब मेरी उम्र 12 साल की हुई तो थोड़ा सा डांस का ऐसे ही कैंडल जो हमारे जो होता है ना जैसे मोहल्ले में या कुछ शादी ब्याह में कोई अच्छा मारवाड़ी लोग बहुत है उस में ये मैंने कभी इंटरव्यू में बात कही नहीं कुछ मारवाड़ी जो हिंदी थे जो हिंदुस्तान से ताल्लुक था उनका यानी कि हिंदू एक फैमिली तो वो लोग अपने इवेंट में करीब करीब क्योंकि वो लोग करते रहते थे मारवाड़ी डांस
तो बड़े बड़े थाल लेकर रासला और ये वो करते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने बोला एक लड़के को, फकीरा नाम था, तो मैंने बोला यार ये मुझे जरा प्लेट थाल होते थे स्टील के ना, बड़े बड़े वो तांबे के होते थे उनके, उन लोगों बिल्कुल मजबूत वाले। हाँ, मजबूत। अब वो पता नहीं कैसे यूँ घुमाते थे, मैंने उठाया तो गिर जाए, मैंने उठाया गिर जाए। खैर रात गई बात गई, कई टाइम मैंने घर पे भी प्रैक्टिस करता रहा। तो मैंने किन पे की, जो चीनी के जो बर्तन होते हैं उन पर, और जो जो टूटते थे वो टूटते थे, जो मुझे गालियां अम्मी से पड़ती थी या बहन भाइयों से, तो बड़े मसले होते। लेकिन एक अब वो शौक पता नहीं क्यों बढ़ गया, नहीं करना है चलो, अब वो बैलेंस ठहर गया हाथों में जो वो करते थे, जो उसके लिए बड़ी मेहनत। फिर मैंने उनको, मैंने अपना टीचर बनाया फकीर साहब को, मैंने बोला यार आप मुझे बाकायदा इसको प्रैक्टिस कराए मुझे। अच्छा कॉन्सेप्ट कैंडल डांस का था ही नहीं, वो सिर्फ वो था कि वो थाल के ऊपर ही है, तो मैं उसके साथ करने लग गया इधर ना मोहल्ले में, करीब करीब जो फैमिलीज के जो इवेंट्स छोटे मोटे जो होते थे, तो एक बैलेंस ठहर गया। तो वही मैंने बोला यार कुछ चेंज होना चाहिए इसमें, अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ वेरिएशन मैंने ये लाया कि वो, फिर मैंने ये जो चाय हम पीते हैं इसके पीछे जो होती है वो, उसको मैंने यूज की, एक कैंडल रखी, दो कैंडल रखी, तीन कैंडल। अच्छा तो अच्छा फिर मैं उसी दौरान मैं कुछ योगा भी मैं करने लगा, क्योंकि भाई कराटे लड़ते थे उनसे मैंने सीखा थोड़ा बहुत। तो योगा एक्सरसाइज में जब मैं आया हूँ, शमा बीनी और ये वो लेना देना। अच्छा जुनून मेरा था ये क्या करना है, अब वो एक्टिंग थोड़ी सी दूर रह गई, इसमें लोग मुझे बुलाने लग गए, आगे बढ़ गया। लोग मुझे पहले तो थाल वाले के साथ करता था, अब वो मुझे बुलाने लग गए यार वो कैंडल और जो फला मोहल्ले में बच्चा है ना उसको आप बुलाए, वो फैमिली इवेंट्स में कोई, वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक मशहूर होता गया, एक आइटम की शक्ल बन गया। जब आइटम की शक्ल बन गया तो मैं जो वो ड्रामे वालों के साथ जो आता जाता था वो कहने लगे यार तू तो एक्टिंग करता था, ये कहाँ से एक आइटम बन गया, चलो ड्रामे में एक एंट्री मारते हैं कैंडल की। अब लाजमी उसमें ऑडियंस होती है, और ओपनियर जो रानी बाग हैदराबाद का है, और एक बड़ा ऑडिटोरियम, 2-3 हज़ार लोग होते हैं, तो जी वो अमजद राना जो है वो मशहूर होगा, तो मशहूर हो गया। लो जी फिर वहाँ पर एक हमारे कॉमेडियन होते थे उस वक्त, वो प्लानिंग करते थे कराची आने की, सुल्तान शेख साहब, उनको जन्नत नसीब करे, उनका भी इंतकाल हो गया। तो वो कहने लगे यार नवाब शाह में कराची से जो है ना बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, उसमें मोइन अख्तर साहब, सईद सुलेमान शाह और जावेद अख्तर साहब, जो पिशावर से मेरी खातिर धंधा सालाना, ये सब आए, तो यार वहाँ चलते नवाब शाह और टिकट तुम दोगे जाने का आने का। अब अच्छा मैं क्योंकि डांस करता था ना, वो कैंडिडेट तो पैसे बहुत आते थे, तो खैर हम चले गए, सुल्तान साहब गए हम लोग, तो वहाँ पर इन्होंने, वहाँ प्रेस क्लब नवाब शाह में प्रोग्राम था, तो उनसे सुल्तान शेख साहब ने बात की। अच्छा इनको थोड़ा जानते थे वो लोग, सलमान साहब को ही थे वहाँ के इंचार्ज ना प्रेस क्लब के, तो बोले ठीक है लेकिन हम एंड में कराएंगे इस बच्चे की एंट्री, क्योंकि हमारे कराची से फनकार आए हुए हैं। अच्छा उनकी सबकी एंट्रीज हो गई, पब्लिक ठीक थी, खाना पीना भी था, सब कुछ था। तो एंड में जब मुझे बुलाया गया है कि चलो यार इसको भी करा देते हैं, करवा देते दिल रखने के लिए, उस जमाने में इब्राहिम डाडा साहब फायर डांस करते थे मकरानी, वो बाद में मेरे उस्ताद भी बने फिर, तो शकीला खान एक खातून होती, पूरा एक स्टोरी जंगल में और फायर और यूं आ रहा है, पूरा एक मिडले उन्होंने बनाया होता हिस्टोरिकल एक टेबलो, वो बड़ा हिट था उनका उस जमाने में कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान में। तो मैंने जब वो कैंडल फर्स्ट टाइम, जो इतने बड़े स्टार्स जो पाकिस्तान के कराची से आए थे वो तो दंग रहे हैं, वो तो अपनी जेबों से पैसे निकाल कर इब्राहिम डाडा जो उनके ऊपर आए थे इनाम या जो भी थे उन्होंने मुझे देना शुरू कर दिया लास्ट। तो ये तो हुआ आपका कैंडिडेट डांस का सफर का आगाज हो गया। था। फिर देखिए थिएटर से फिल्म तक जाना एक मुश्किल काम है, और क्योंकि उस दौर में फिल्मों में आना यकीनन आज के दौर में भी मुश्किल, उस वक्त तो कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था, तमाम बड़े बड़े स्टार्स काम कर रहे थे, और जिन फिल्मों में आपने काम किया उस वक्त की स्टार कास्ट थी उस फिल्म के अंदर, हांगकांग के शोले पहली फिल्म थी, तो ये फिल्म का सफर कैसे शुरू हुआ, किस तरह से एक कैंडल डांसर फिल्म तक पहुंचा? फिर मैं 80s में जब कराची आया तो लाजमी मैच्योर हुआ तो कराची आया मैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा क्योंकि पेरेंट्स मेरे आने नहीं दे रहे थे, तो आया मैं इधर। फिर जो कराची से जो आर्टिस्ट आए थे नवाब शाह, तो उन्होंने जो ऑफर दी थी, तो मैं रेडियो पाकिस्तान की गली में आया, ठीक है ना, जहाँ आर्टिस्ट लोग खड़े थे, मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर, तहसीन जावेद और ये वो फलाने, वहीं से आर्टिस्टों की बुकिंग होती थी डे में। तो सईद सुलेमान शाह साहब रेडियो पाकिस्तान में जॉब था, वहीं पर उनकी वेस्पा भी खड़ी होती थी, उन्होंने एक्चुअली सही मायने में मुझे इंट्रोड्यूस उन्होंने बुलाया। खैर मैं आया कराची,
उनसे मैं मिला तो आए बाहर आए, अरे मैंने नवाब से मिला, तो बोले बेटा बात सुनो, मेरे हफ्ते में एक दो शो होंगे, वो मैं आपको अपने शो में लेके जाऊंगा, लेकिन इधर सारे आर्टिस्ट बिग स्टार्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, मैं मिलवाता हूँ। अब कुछ इकबाल सयानी साहब भी गए थे वहाँ, शाहीन खलील साहब भी थे, अच्छा और अरे शाहीन, अरे इकबाल ये वो बच्चा आया है वो, अरे अरे आए तो बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, तो उन्होंने इस तरीके से मेरा उनसे इंट्रोड्यूस हुआ, मैं दोबारे से उन्होंने किसी और से कराया। अच्छा कहीं ना कहीं इवेंट्स होते रहते थे, लियाकताबाद गुलशन नॉर्थ में इन लोगों, तो आप मुझे कहाँ रह रहे हो, मैंने बोला मेरे कुछ पेरेंट्स हैं ड्रिक कॉलोनी में, मैं उधर हूँ। अच्छा तो आ सकते हो कल फला, मैंने बोला बिल्कुल, तो आप इधर ही आ जाएगा रेडियो पाकिस्तान की इसी गली में आ जाएगा जो फनकार गली है, यहाँ आ जाएगा तो फिर हमारे साथ, फिर वो सुजुकी में लाद के फनकार जा रहे मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन यह है कि कैसा दौर था वो, वो दौर बड़ा जबरदस्त था, मोहब्बत के मोहब्बत थी, एक कम पैसे मिलते थे, 20-25 रुपए मिलते थे उस जमाने में, 81-82। तो फिर क्या हुआ कि मैं मोइन भाई के घर पहुंचा, शाहीन खलील साहब ले गए, ले गए तो उफ रहे, 2-3 साल हमारे गए, मैं दुबई चला गया। फिर 84 या 85 में जो है हमारी एक मतलब प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहीं देखा था मुझे, तो ये दिल पसंद स्वीट वाले हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, जहाँ से आप भी जानते अच्छी था, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको मदद करे, वो सईद रिजवी साहब के भी कज़न थे वो, तो उन्होंने सईद रिजवी साहब से मिलवाया, तो उस वक्त कोई और फिल्म बना रहे थे, लेकिन उससे पहले जो है जाबाज़ फिल्म के लिए उन्होंने रऊफ कुरैशी साहब थे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो, तो उन्होंने आपको उस फिल्म के लिए उन्होंने मुझे ले गए लाहौर। तो अच्छा मैं थोड़ा सा हिट भी हो गया था कैंडल में, मोइन, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, मोइन भाई के शो कर रहा था तो दुबई भी चला गया था, मोइन भाई ले गए मुझे, ये मोइन अख्तर का शो करना एक बड़ी बात है, बड़ी बात है, और सबसे पहले मोइन अख्तर साहब माशाल्लाह मेरा नाम लिखते थे एज ए कैंडल योगा डांस मास्टर, एंड वो जो भी पार्टियों को या कंपनीज को एक प्रपोजल बना के देते थे आर्टिस्टों की लिस्ट, सबसे पहले मेरा नाम, क्योंकि एक यूनिक आइटम था, डांस से ताल्लुक नहीं था, योगा एक्सरसाइज और ये वो लेना देना, डांस में बहुत कम करता था उसमें, तो खैर वो फिर फिल्म की ऑफर हुई तो मैं हांगकांग के शोले जो है जान मोहम्मद जुम्मन साहब की नर्सरी में उनका घर था, उनसे मेरा वो जहाँजेब साहब ले गए, उन्होंने बोले ये कैंडल, बोले ठीक है अभी तो कास्टिंग पूरी है, जापान में हमारा एक सीन, हांगकांग में एक सीन है लेकिन उसका हम सेट लगा रहे हैं ताजमहल होटल में, तो उसको हम रीशूट कर रहे हैं, लगेगा जैसे ही बच्चे ने उधर ही डांस किया। बिल्कुल, और ये डांस का जो सिलसिला है फिल्म तक, ये डांस कैसे पहुंचा इस पर भी बात होगी, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी टाइम राहिल बेग के साथ, और ये प्रोग्राम आप देखते हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया पर, और आज के हमारे मेहमान हैं अमजद राणा, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम टी टाइम के साथ मैं हूँ राहिल बेग, और आज हो रही है बातें अमजद राणा के साथ कि उनका जो फनी सफर था उसका आगाज कैसे हुआ, किस तरह से गली मोहल्लों से अपने टैलेंट को थिएटर तक और थिएटर से फिल्म तक लेकर पहुंचे। तो ब्रेक पे जाने से पहले भी बात हो रही थी, हम फिल्म के सेट तक जाने वाले थे मगर ब्रेक थी, अब एक बार फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जी अमजद भाई, एक बार फिर से गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं, तो जान मोहम्मद साहब से आपकी बात हो गई फिल्म जाबाज के लिए, और जाबाज के लिए हांगकांग के शोले, हांगकांग के शोले उस वक्त वो कोई और फिल्म बना रहे थे जाबाज, तो फिर क्या बात हुई, किस तरह से उन्होंने आपको कास्ट किया फिल्म में, क्या कहेंगे? तो हुआ ये कि लाजमी मेरे प्रोग्राम शादी ब्याह मेहंदियों में तो देख चुके थे कैंडल आइटम मेरा, तो उन्होंने बोला चले ठीक है, मैं कुछ झलकियाँ, मतलब कास्टिंग तो पूरी हो गई है, शूट भी हो गया, लेकिन हमारा एक डांस है जो शेखी साहब ने गाया था, एक गाना लेला हो लेला ब्यातर भरा सेला मिजाजी ये लेला मिजाज, बहुत हिट हुआ था उस जमाने, और शेखी साहब ने आज भी बड़ा अब भी हिट है वो, सब लोग गाते हैं और उसी की कॉपी करते हैं, तो बलोची स्टाइल का वो गाना था, तो वो बकरानिया वकरानिया जो रेजेंट प्लाजा में सेट लगा हुआ, मुझे ले गए ड्रेस व्रेस पहनाया, तो मैंने उसमें कुछ करतब अपने योगा के दिखाए, तो वहाँ से मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद एक साल के बाद फिल्म बनी जाबाज़ पंजाबी अंजुमन साहिबा की, ठीक है ना, तो और मैं ज़रा थोड़ा सा हिट हो गया था इसी दौरान ना प्रोग्राम्स वगैरह में, तो हमें बुला लिया गया लाहौर में, तो जिस तरह अभी मैं अपनी शो की तैयारियों में लगा हुआ हूँ इसी तरीके से लाहौर बुला लिया गया, भाई और मैं गया, तो मुझे पूरी फिल्म में काम था मेरा, एक मतलब अंजुमन साहिबा के साथ एक गाइडिस के तौर पर कंटिन्यूटी थी कंटिन्यूटी थी मेरी,
तो वो रोल फिर अलबेला साहब फिल्म स्टार अलबेला साहब ने किया था। तो मैंने बोला मैं एक डांस करूंगा, मैं आ जाऊंगा। खैर मैंने दो दिन शूट किया शानूर स्टूडियो में, उसके कोरियोग्राफ जो थे वो थे हमीद चौधरी, डांस डायरेक्टर और बड़े डांस। अच्छा जब मैंने अपना कैंडल जो है फ्लोर पर इतने बकरानी गए थे, अच्छा भी एक डांस जरूर रखते हैं फिल्मों में ना कुछ लोग, तो अल्ताफ हुसैन साहब पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर लाहौर में, उनकी फिल्म थी ये, तो खैर बड़े बड़े लोग इसमें गए थे, असलम भट्टी के वाली साहब, याकूब भट्टी साहब, उन लोगों की फिल्म थी जो बड़े पैसे वाले लोग थे। आप यकीन जानिएगा जब मैंने वो, अच्छा वो भी मुझे देख चुके थे, जब मैं फ्लोर पर जब डांस मैंने कैंडल का स्टार्ट किया, अच्छा मैं रीशूट नहीं कर रहा था, मैंने बोला भाई देखो मोमबत्तियां जो है ना फिर बार बार कौन लगाएगा ये करेगा, तो मैंने बोला वन शॉट, तो वो कहने लगे भट्टी साहब, बोले चौधरी साहब, मलक साहब और अल्ताफ साहब आप इसको छः सात कैमरे लगाओ इसको, बोले नहीं अभी तो एक ही कैमरे पे काम, बोले नहीं छः सात कैमरे लगाओ, पैसा जितना खर्चो करो। तो अंजुमन भी जो है वो खुश थी, वो क्यों खुश थी कि कोई चेंज आ रहा था, वैसे तो रवायती डांस हो रहे थे, रवायती और पंजाबी और डिस्को पिस्को यूं यूं करके और ये वो, तो हमीद चौधरी को कहा कि तुसी अब बह जाओ, ते जड़ा मुंडा जड़ा कम कर रहा ना एनू करना, तो ऐसा ही कम हैगा। तो खैर वो मैंने फिर वो अपना योगा हो, अंजुमन जी के साथ कैसी परफॉर्मेंस हुई? बहुत जबरदस्त रही, और वो मेरा जो है ना हांगकांग के शोले में, हालांकि इतना नहीं किया था हिट वो भी था, लेकिन जो परफॉर्मेंस मैंने अंजुमन साहिबा के साथ जो दी है डुइट्स, और वो खुद भी माहिर डांसर, माहिर तो, और डांस में अपना एक भाई जो मैंने फायर मैंने, अच्छा मैं तो क्रिएटर माइंड था ना, मैंने बोला चलो कैंडल में किया, बड़ा पसंद मतलब वो शूट किया, फिर मैंने एक बेल्ट इधर बनवाया था पूरा मेरा जिस्म नंगा, जो कोई भी मेरे ख्याल में मैंने किसी को नहीं देखा आज तक, ना मैंने लियारी में किसी को देखा, तो मैं जितना पसंद आदमी था क्रिएटर माइंड था, मैंने बेल्ट बनवाए सलाखों के साथ, ये निकले हुए यहाँ गोले बांधे फायर के और उस पर पेट्रोल लगाया हुआ है, वो सॉरी मिट्टी का तेल, गाने के बोल क्या थे वो, रिवर्स देखना चाहिए, वो बड़ा अच्छा है उसके बोल है वो, नहीं कर दी पावे मैनू सूलियो ते टंगो, रेम्बो 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 रेम्बो, मतलब इस टाइप का वो, अच्छा वो उस फ्लोर पे ये होता है कि वो उसको अरेस्ट करके लेकर आते हैं गुलामुद्दीन साहब को, गुल्लू भाई को, वो बंधे हुए तो, और इसको भी उठा के लेकर आते हैं अंजुमन साहिबा को, और वो जो अलबेला साहब है उसकी गाड़ी में छुप के आते हैं जब बदमाश के लिए आते हैं मुखबरी के लिए, हाँ मुखबरी के लिए, अब ये उधर डांस कर रही है और ये मेरा डांस चल रहा है फ्लोर पर, ठीक है ना। फिर एंड में सुल्तान राई साहब जो वाइंड अप पर आते हैं, तो अदीब साहब भी बंधे हुए, ठीक है ना, और अफजाल चिट्ठा जो है वो विलन होते हैं, वो बिल्कुल, लेकिन उधर मेरा डांस चल रहा है अंजुमन साहिबा के साथ ये फ्लोर पर ये। लेकिन आप यकीन जानिएगा जिस जमाने में ये फिल्म रिलीज हुई, तो आप जब वो गाना आपने सिनेमा में देखा, सिनेमा में इतनी बड़ी स्क्रीन पर देखा, मैंने क्या देखा, लोगों ने देखा, और जब इसके जो इश्तहारात आते थे जंग अखबार में, तो मेरा और अंजुमन की तस्वीर लगी होती, मैं यूं खड़ा हुआ, अंजुमन नहीं मैं यूं बैठा हुआ, कैंडल्स, अच्छा मैंने कुछ नई नई चीजें की थी, एलसीडी कैंडल्स लगा के यूं बैठा हुआ हूं मैं, और अंजुमन साहिबा ऊपर से, वही पोस्टर जो है रॉयल पार्क में उधर लाहौर में, पूरी एक फिल्म मेरी और एक डांस मेरा और इतनी बड़ी पब्लिसिटी मेरी कि जी कराची दा शहजादा, अग दा शहजादा अमजद राना ते हुसन दी मलका अंजुमन ते दोना दा डांस वेक, तो लोग सलेम हसीन दौर था वो फिल्म का, फिल्मों का था, टीवी इतना था नहीं, पूरा फिल्मी दौर था, और उस वक्त की अंजुमन साहिबा बड़ी मकबूल अदाकारा थी, आज भी लोग उनको पसंद करते हैं। तो फिर उसके बाद डांस के साथ साथ फिर अदाकारी भी आपने की ना फिल्म में, हाँ फिर तिलिस्मी जजीरा, फिर मैं चला गया था अमेरिका 92 में ना, तो अपने उसमें कवि साहब और अथर शाह जैदी, इस्माइल तारा, जेबा शहनाज, बुशरा अंसारी बाजी, बहुत बड़ी 30 लोगों की, तो वन मंथ का एक था। उसी दौरान फोन आ गया यहाँ से, बल्कि मैंने किया था क्योंकि पहले मोबाइल सोबाइल तो थे नहीं, तो मैंने होटल से फोन किया सईद रिजवी साहब को, मैंने बोला वो फिल्म मेरे बगैर जा तो नहीं रहे ना आप लोग रशिया, बोले नहीं नहीं कब आ रहे हो, मैंने बोला मैं आ जाऊंगा। आप यकीन जानिएगा मैंने एक अच्छा दौर छोड़कर लंदन का प्रोग्राम, यानी कि आप पूरे टूर था हमारा वर्ल्ड, एंड में हम लंदन पहुंचे थे, तो सुबह पहुंचे और शाम को मैं कह रहा हूं मुझे वापस जाना है, क्योंकि मैं अपनी तरफ बहुत सारे आर्टिस्टों को तो ये ख्वाहिश होती है कि उनके वर्ल्ड टूर होते हैं लंदन में एंट्री हो, ये वो मेरी एंट्री हो चुकी थी लंदन में, तो कवि साहब ने बोला कि यहाँ आपका जो लंदन टीवी पे भी इंटरव्यू होगा, आप कैंडिल मास्टर हो, नई चीज है और यूं रुक जाओ पैसे बनाओ, मैंने बोला नहीं
मैं अब अच्छा फिल्म का तो शुरू से ही था ना माइंड में कि फिल्म करूंगा मैं एज एक्टर। फिल्म में एक ऐसा करिश्मा है कि इंसान किधर चला जाता है, कहां चला और इतनी बड़ी स्क्रीन और इससे बड़ी फिर कोई स्क्रीन है भी नहीं। फिर मैं पहुंचा वहां, कराची आया, कराची संभाल लिया और मेरा टिकट तैयार था क्योंकि सईदरी साहब और रीमा जी सब लोग पहुंच चुके थे रशिया, मैं बाकी था। अच्छा हुआ ये कि पप्पू सम्राट साहब सब लोग लाहौर में बिजी थे तो अशरफ शेराजी तो, लेकिन मुझे इसलिए उन्होंने कहा था कि क्योंकि एक तो कमिटमेंट था उनसे मेरा कि नहीं वो अमजद को लेके जाना। मैं कराची पहुंचा, मैं पहुंचा वहां पर तना पहुंचा अकेला, टिकट लिया भाभी से, एयरपोर्ट पहुंचा, कराची एयरपोर्ट ठका, मैं रशिया पहुंचा। अच्छा पहुंचने में तो 4 घंटे लग गए, चलो पहुंच गए रशिया, ठीक है। और वहां से जो जाना है जंगलों में 2 दिन लग गए ट्रेन में बैठे बैठे, और उस वक्त जो है पता नहीं बॉर्डर पे कोई लड़ाइयां भी थी उनकी, पता नहीं कौन से उस गोरत हम गए थे ऐसी जगह ना। तो खैर मैं पहुंच गया, ये शुक्र है अल्लाह का कि हर मुल्क पहुंच जाता हूँ मैं, तना पहुंच गया तो बड़े खुश हुए सईदरी साहब। फिर मैंने रशियन आर्टिस्टों को जो है एज ए कोरियोग्राफर, क्योंकि फिल्म कर रहा था पूरी ना, तो मैंने उनको सिखाया। फिर उसके बाद शूट पर गए, फिर अगर अजब गुल साहब उसको टिकट नहीं, पासपोर्ट नहीं बनता उसका और टिकट नहीं मिलता बता, तो रीमा जी के साथ मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा मैं हीरो होता। अच्छा। रीमा जी मैं ये बड़े ये आप सईदरी साहब से भी पूछ सकते हैं ये बात। अच्छा तो पहले हीरो आप थे, कास्ट हुए थे? नहीं नहीं मैं नहीं हुआ था, पहले शान थे। अच्छा शान, पहले शान थे तो हम वेट करते थे कि अब एक हफ्ते बाद उसको जो है, क्योंकि पंजाबी फिल्म में बहुत कर रहे थे सुल्तान भाई, हाँ बिजी थे बहुत ज्यादा, तो भले फिर मुझे लोग कहते थे उठा यार अब जब बस तुम तैयार हो जाओ, उसको टिकट नहीं मिल रहा है, उसको वीजा नहीं मिल रहा है, उसका ये नहीं पासपोर्ट, फिर बोले नहीं यार चलो उसको ले लो, एक फिल्म में आया वो लड़का बड़े बाल वाला पठान, उसको लेते हैं अब अजब गुल को, बोले यार उसका भी नहीं, बोले अमजद भाई 90% तो मौके हो बॉस। अच्छा फिर क्या हुआ जब एक पूरा अब अचानक अचानक से अजब गुल सेट पर, अचानक जब अजब गुल का ओके होने में नोला एक ही हो गया, खैर हो गया, खैर मैंने बोला कोई बात नहीं है। तो सईदरी साहब अच्छे आदमी है माशाल्लाह, उन्होंने मुझे फिल्म में भी यूज किया एज ए एक्टर। लास्ट ग्रुप में जो और एक मूवी है जंगल में पूरा ग्रुप फंस जाता है, गा रहे हंस रहे, और फिर मैं कोरियोग्राफ भी कर रहा था गाने उनके, रीमा जी को बता रहा था, तो मैंने बोला रीमा जी अच्छा उनकी बुलंदी फिल्म हिट हो गई थी, पहली फिल्म से हिट, तो मैंने बोला मैडम आप अच्छा मैं डांसर तो था ही, मेरा कैंडल मेरा अलग ही एक वो था समझे ना, तो बोले नहीं मैंने सर आपको देखा है, आप प्लीज आप जो बताएंगे मैं फॉलो करेंगे। मैंने बोला और कैसा एक्सपीरियंस रहा साथ आपका? बहुत जबरदस्त और बहुत मुखलिस और अच्छी खातून है वो, तो लाजमी एक आर्टिस्ट और वैसे भी बहुत अच्छी है, डाउन टू अर्थ बंदी है बिल्कुल, और जब भी रीमा जी से मुलाकात होती है उसे मोहब्बत और सबको तो प्यार के साथ मिलती है, बिल्कुल अच्छा हमारी मुलाकात रहती है इवेंट्स पे, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त, बड़े अच्छे से मोहब्बत से बहुत ही माशाल्लाह। और देखो ना अल्लाह ताला ने उनको अभी किस मुकाम पे पहुंचा है कि एक फिर फिल्म के बाद दोबारा से आप आए अपने स्टेज की तरफ, शो ऑर्गेनाइज करने लगे, इवेंट्स करने लगे, और फिर योगा भी करते रहे या फिर नहीं? योगा तो मेन बेसिक तो मेरा योगा ही था ना, वो करता रहा, लेकिन फिर फिल्म की तरफ मैं थोड़ा सनमा में लग गई तिलिस्मी जजीरा, इतनी मुश्किल काट कर लंदन का ट्रिप छोड़ कर ट्रेन में जहाजों में लंबी मुसाफतें, फिर थक थक धड़कन, क्या जब बुलाए नहीं आए, फिर आ गए, फिर फिल्म आ गई सनमा में, तो क्या रिस्पांस आया पब्लिक का? नहीं रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक टाइटल मिल जाता है ना, मतलब एज ए कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर के फिल्म में की हम अमजद राना ने, फिर कराची आए तो लाजमी मैं तो फोटो सेशन होते हैं वो आपको पता है, फिर प्रेस रिलीज भी होता तो है। ये होता था ना कि आप एक फिल्म में आइए ड्रामे में आप हिट हो जाते, आप हिट हो जाते, लोगों की नजर में आ जाते, नजर आ जाए निगार अखबार में, आप निगार अखबार। कुछ मतलब प्रेस में आपकी तस्वीर, सबसे बड़ा फिल्म अखबार निगार ही था, निगार था अखबार जहाँ ये वो लेना था, और उसमें अमजद राना जो है लड़कियों को रशियन आर्टिस्टों को डांस, आप अमरीकी लड़कियों को अक्सर डांस रशियन, वो आपकी वीडियो हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, तो क्या है वहाँ पे आगे क्या वहाँ पे भी सिखाते हैं लोगों को? नहीं सिखाता क्या है कि जैसे मैं अब एक्सपो लगते हैं जैसे रशिया में ये वगैरह वगैरह, तो शुभ खान साहब हमारे वो इवेंट करते रहते हैं जो एक्सपो लगाते हैं, अभी भी वो जाएंगे अमेरिका फिर और भी मुल्क जाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि एक 15 लोगों का डेलीगेशन होता है जो जैसे यहाँ पर एक्सपो लगते हैं बिल्कुल, तो वहाँ एक स्टेज बना दिया जाता है। अच्छा मुझे फ़ायदा उनको ये होता है कि मैं ऑलराउंडर आदमी हूँ, कल्चर आर्टिस्ट हूँ, सिंगर भी हूँ, अरेंज भी कर लेता हूँ, मुझे म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है, कोरो के ट्रैक लगाएं आप मैं शुरू हो जाता हूँ गाने, एंड में अपना कैंडल डांस, मुझे सिर्फ साउंड से मतलब है बिल्कुल, तो इसलिए वो मुझे ले जाते हैं। तो वो क्या है कि जो शॉपिंग के लिए लड़कियाँ आती हैं रशियन हो या अमेरिका हो,
तो मैं जब वो थड़कता हूँ तो उनको तो साथ में खुद थड़क भड़क वो खुद भड़क के वो स्टेज पर आ जाते हैं तो मुझे एक कंपनी मिलती है। इस धड़क भड़क पे भी बात करेंगे मगर अभी एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद और भी बातें होंगी, फिर अमेरिका के टूर के हवाले से बात करेंगे और किस तरह से लड़कियों को सिखाते हैं और वहाँ की खूबसूरती पे भी कुछ बात करेंगे। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए प्रोग्राम टी टाइम। मैं हूँ राहिल बेग और ये प्रोग्राम आप देखते हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम टी टाइम के साथ राहिल बेग एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर है और आज बात हो रही है, मारूफ आर्टिस्ट हैं, कोरियोग्राफर हैं, इसके साथ साथ सिंगर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, बेशुमार फन से भरे हुई शख्सियत हमारे साथ मौजूद है अमजद राणा। तो अमजद भाई, ब्रेक से पहले बात हो रही थी अमेरिका पहुंच गए, वहां की हसीनाओं के लिए आप पागल हुए जा रहे थे, क्या किस्सा है, वहां की खूबसूरती कितनी मुतासिर करती है पाकिस्तान में परफॉर्म करना, पाकिस्तान में जो कल्चरल प्रोग्राम है आज भी खूबसूरती रखते हैं, शायद लोग उतने पसंद ना करते हो जितना इंटरनेशनली हमारे कल्चर को, हमारे इस तरह की तहजीब को, इस तरह के सकाफती जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो क्या कहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और दयारे ख्याल की परफॉर्मेंस, अच्छा दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, मैं बिल्कुल कल्चर आर्टिस्ट हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से किसी भी मुल्क जाता हूँ तो मेरा जो लाजमी एयरपोर्ट पर तो यही ड्रेस होता है डिस्को टाइप का। अच्छा, लुक मेरा है चाहे वो गोरे हो काले हो, पसंद इसलिए करते हैं बाल बड़े, आर्टिस्ट लुक आता है मेरा, ठीक है ना, स्टाइलिश, और आर्टिस्ट को अपने लुक में रहना भी चाहिए, लुक में रहना पड़ता है तो वो पहचान जाता है ये आर्टिस्ट है ये, ठीक है ना। खैर, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो जैसे मैं प्रोग्राम में पहुँचता हूँ तो मेरा पाकिस्तानी सकाफती ड्रेस होता है, चाहे वो लाचा कुर्ता हो, चाहे वो सिंधी टोपी देखा होगा अक्सर, मैं वो पहनकर झलक पहन के, चाहे वो गोरिया डांस कर रही है तो मैंने वो पहना हुआ। तो जब वो म्यूजिक शुरू होता है, ठीक है ना, उसकी बीट्स जो ऐसी होती है, डांसिंग मूवमेंट होती है और मेरे एक्शन ऐसे होते हैं कि किसी गोरी से गाली से रहा नहीं जाता है कि इस स्टेज पर मुझे मिस कर दे, बिल्कुल वो डांस फिर साथ साथ शुरू कर दे तो वो आ जाती है। अच्छा, मैं जो जब भी गया हूँ तो लाजमी मैं प्लानिंग से जाता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब बहुत हैं अमेरिका में, रशिया में, या जहाँ भी जा आप, वो बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, तो मैं क्योंकि वो चाहते हैं कि यार अमजद भाई आप हमारे पास आओ, तो मैं घूमने फिरने जाता हूँ, फिर उनके साथ उनके जो इवेंट्स होते हैं फैमिलीज़ के उसको मैं लुक आफ्टर करता हूँ। बिल्कुल, अब भी आप रिसेंटली कोई इन फ्यूचर अभी करने जा रहे हैं कल्चरल इवेंट, तो ये कल्चरल इवेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? एक्चुअली ये ईद का इवेंट है तो उसमें यह है कि बस मिलने के लिए जाता हूँ फिर उनके साथ गैदरिंग में शामिल हो। तो आप आधा साल पाकिस्तान होते हैं और आधा साल जो है अमेरिका में होते हैं, अमेरिका में, तो अभी फिर आप अमेरिका जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं अमेरिका इंशाल्लाह ताला या तो मैं ईद पर निकल जाऊंगा या मतलब आफ्टर ईद ही निकलूंगा मैं, फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला। तो क्या लगता है जब वहाँ होते हैं तो यहाँ पाकिस्तान को कितना मिस करता है? नहीं, मिस तो करता हूँ, लाजमी है, मिस तो करना पड़ता है, लेकिन मुझे अच्छा मेरी क्योंकि यहाँ अकेडमी भी है शाह फैसल टाउन में, वो भी मैं चलाता हूँ, बच्चों को भी योगा सिखाता हूँ, डांस सिखाता हूँ, तो एक मुझे मतलब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ वहाँ जाकर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है घूमना फिरना, बड़ा अच्छा लगता है। और बिल्कुल घूमना किसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, योगा एक्सपर्ट भी आप, योगा करते हैं, डांस में भी योगा, आजकल योगा भी बहुत ज्यादा इन डिमांड है इस सेंस में कि लोग उसको वजन कम करने के लिए, खूबसूरत नजर आने के लिए, योगा पेट कम करने के लिए भी इनको बता दें, हमारा तो खैर ये डोमेन नहीं है, अगर आप योगा एक्सपर्ट है तो अगर कुछ बताना चाहें तो। नहीं नहीं, मैं यही बताना चाहूंगा कि लाजमी अब तो मीडिया इतना फास्ट हो गया है और चैनल के जरिए लोगों को आगाही दी जा रही है, तो योगा में सबसे ये कि मेन चीज जो होता है ना राइट बाई फूड डाइट है, क्योंकि हम जो बेत्याज जो खाते हैं ना, बर्गर और ये वो लेना देना हर चीज, और खासकर जो रोटी हम खाते हैं, ये तो नान जो है बहुत खतरनाक है, ठीक है ना, हम वो डाइट का अपना ख्याल नहीं रखते। एक तो ये है कि आफ्टर मगरिब या आफ्टर ईशा आप ब्रेक करते हैं खाने पे, कुछ ना खाएं, लेकिन हम लोग उसके बाद ही खाते हैं, शादियों में जा रहे हैं और ये वो ना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, देखिए कि जो एक निज़ाम कुदरत है, अगर आप सूरज की रोशनी के साथ अपने काम का आगाज करें और सूरज गरूब होने के बाद वो ही अपने तमाम चीजें मुकम्मल कर लें, मगर फिर उससे आप सेहतमंद रहते हैं, फिट रहते हैं, मगर अब हमारा जो तर्ज जिंदगी है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, डिफरेंट है। आप कहते हैं ना कि जुबान पे आप काबू रख लें, चाहे वो बोलने के एतबार से हो या जायके के एतबार से हो, तो आपकी जो जिंदगी है वो सुकून में आ जाएगी। अब मैंने लास्ट टाइम जो क्लास में मैं भी बीच में फैटी हो गया था, क्योंकि अब वो एक्सरसाइज नहीं रही,
ठीक है ना, हम भी उसी में शामिल हो गए, फूड खा रहे हैं और ये वो लेना था। लेकिन जब हम पे आती है, जब मुझे किसी इवेंट में जाना पड़ता है कि एक महीने बाद मेरा प्रोग्राम है, मुझे कैंडल योगा करना है आइटम, तो मैं अपनी डाइट पे आता हूँ। अच्छा, डाइट भी कौन सी कि मुझे ज्यादा वीकनेस भी ना हो, ठीक है ना, मैं पहले तो ये बात करूँ। तो आप जो है, एक तो जब आप सोते हैं रात को, लेकिन खाने का एक, अगर एक महीने आपको डाइट करनी है, जो मैं करता हूँ, ठीक है ना, तो आप जो है ना आफ्टर इशा आप ब्रेक करते खाना हैवी के साथ, ठीक है ना, ब्रेक करते दूध ले लें उसके साथ, इस पर होल जो है उसका यूज करें रोजाना, हर रोजाना रात को आप उसमें भिगोए, आप उसको करके नीम गर्म पानी में आप उसको इस पर या मिल्क के साथ आप ले लें, ये आपने ले लिया। जिस वक्त आप सोने लगते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, अदरक की आप जो है ना कहवा बनाएं, चाय बनाएं, सब चाय जो होती है वो आप बनाएं, वो लेकर आप बिल्कुल फ्रेश होकर आप सो जाएं। नहर मुंह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले जो है वो ही आप जो है पानी अदरक वाला जो रात का बचा उस रात का बचा हुआ उसको आप रख लें या फ्रेश बना लें, ठीक है ना, उसमें नीम गर्म पानी करके दो गिलास, एक गिलास और डालें उसमें दो गा के, अपने 10-15 मिनट बाद आप रिलैक्स हो जाएं, वॉशरूम भी ना जाएं। उसके बाद जो है वॉशरूम जाएं, फ्रेश हो, पेस्ट करें, फिर आप नाश्ता करें। बिल्कुल, और आप देखिएगा ऐसे वो होंगे, लेकिन उसके बाद जब एक्सरसाइज में आएंगे फिर आप जो है, आप जो है ना एक्सरसाइज, आप सांस का जो है ना उसका स्टैमिना, आपको उसका स्टैमिना बनाना पड़ता है। और देखिए खाली डांस सिंगिंग और ये चीजें नहीं, टोटके भी बताए जुबैदा आपा की यादें ताजा करते हैं। मैं रहा भी हूं उनके साथ। अच्छा, एक आपका जो सिग्नेचर स्टेप है वो जो बालों के साथ आप करते हैं, ये कितना मकबूल, कैसे मकबूल हुआ ये? ये भी बस गॉड गिफ्टेड है, ये भी वो डांस में एक मेरी पहचान बन गया। तो बल्कि बड़े बड़े आर्टिस्ट तो वो ये कहते हैं कि यार वो फला शो में जो है, फला ऑर्गेनाइजर ने वो पैसे काट लिए। मैंने क्यों काटे, बोले कि एक तो सर्दी बहुत, मैंने बोला यार वो सर्दी बहुत ही सिबी के मेले में ना, क्वेटा में, अब वो इतनी सर्दी, आलमगीर साहब वो बाइक पकड़ रहे हैं, करंट लग गया। अच्छा, मैंने जो स्टील का थाल होता है तो थाल यूं कर दो वो जम गया वो, ठीक है, इस टाइप की कहानियां थी। तो क्या हुआ कि वो मैं बाल हिलाना चाह रहा हूँ, मेरे बाल नहीं हिल रहे। अब देखो अब हिलेंगे, अब सही हिलेंगे क्योंकि मौसम सही है। ये था ये, अब इस तरह बोले ये बाल नहीं, अब मैं हिला रहा हूँ, नहीं हिल रहे, देखे नहीं ले तो, और एक बार दोबारा, अब और हाँ, ये जब बाल में हिलाना चाह रहा हूं तो नहीं हिल रहे थे क्योंकि सर्दी इतनी सर्दी। से भी मैं, अब ये मेरा स्टाइल होता ही है, ये चीज ये। अब ऑर्गेनाइजर ने बोला जी बाल नहीं ले, मैं अमजद राणा के पैसे काटूंगा। अरे मैंने बोला क्या हो गया यार, वो तो सर्दी इतनी थी, बाल काटूंगा मैं, बाल काट, फिर तो मैं गंजा ही हो जाता। तो ये क्या, ये मेरा एक जो है सिग्नेचर, ये समझो मेरा एक जो होता है ना, जो गाने में किसी कोई चीज हिट हो जाती है या ये, और शुक्र है कि अल्लाह के करम से बात चला। मुख्तलिफ अवकात में गाने बनाते रहते हैं और आपके गानों में ज्यादातर हुब्बा जज्बुल वतनी जो है वो नजर आती है, कभी सिंध का अंदाज नजर आता है, पंजाब, बलोचिस्तान और केपीके, ये तमाम रंग नजर आते हैं। तो इन दिनों कोई ऐसा म्यूजिक बना रहे हैं, कोई गाना इसकी तैयारी में मसरूफ? बिल्कुल, मैं तैयारी में और मैं करता रहता हूँ। और लास्ट टाइम जो 14 अगस्त को जो मज़ारे कायद पर जो चेंजिंग होती है, जो फॉरनर्स आते हैं या ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, कौंसलेट जनरल्स आते हैं, आपको पता है, इस मर्तबा मुझे बुलाया गया और मैंने 800 बच्चों के साथ वहाँ परफॉर्म किया, तो सब लोगों ने बड़ा, और नई चीज़ मैंने जो है नगमे में जो है कौमी नगमा एक मैंने बनाया था अपना, तो उसमें मुझे जो है बड़ा लोगों ने लाइक किया। और ये तो मेरे लिए बिल्कुल नगमे की बात हो रही है, कोई अगर आप पर सुनाना चाहे हमारे व्यूवर्स के लिए, हम चाहेंगे बैठे बैठे हो जाए, आज हम उठे फिरेंगे नहीं, बैठे बैठे नहीं, बिल्कुल। और ये जो सॉन्ग है ये मैंने लास्ट टाइम मैंने अमेरिका में टाइम स्क्वायर पर, अच्छा, न्यूयॉर्क में, तो हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं वहाँ पर, उन्होंने इसको पिक्चराइजेशन में मेरी बड़ी हेल्प की, सोनू भट्ट साहब, सोनू भट्ट जो न्यूयॉर्क लास्ट टाइम मेरे शो में भी आए थे, और मिर्ज़ा साहब वहाँ पर है, आसिफ मिर्ज़ा भाई हैं, उन्होंने इसको जो मेरे साथ बड़ी हेल्प की उन्होंने, तो बहुत से मेरे वहाँ पर है, और बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है, और आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और इसको मैं ये चाहूँगा कि ये बड़ा, अगर ये सॉन्ग जो है शाहरुख खान की फिल्म में हो और या सलमान खान की फिल्म में, तो मैं कहता हूँ कि कोई नहीं रोक सकता ये हिट हो। अच्छा, यही कहूंगा कि ये वहां तक, ये इंशाल्लाह ताला सॉन्ग पहुंचे वहां तक,
वो अपनी फिल्म में इसको ले और मैं उनको गिफ्ट करने में ऐसी क्या बात है। तब तो इसके लिरिक्स बहुत अच्छे सुनाना ये फर्ज हो गया। हाँ इनका म्यूजिक बहुत अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं इसके, और मैं जो इसका वीडियो जो मैंने वहाँ पर थोड़ा शूट किया है मुझे भी बड़ा मजा आया। ठीक, क्योंकि अब प्रोग्राम अपने अख्तिताम की तरफ है और वक्त जो है जैसा भी हो गुजर जाता है, अच्छा हो बुरा हो, और अब प्रोग्राम का वक्त भी गुजर गया है, तो पहले तो एक मैसेज दे दें हमारे देखने वालों के लिए, क्या मैसेज दे रहे? मैसेज यही है कि आप अपने वतन से प्यार करें, और लाजमी है हम तो जो भी हुकूमत आई है आती है हम तो उनके पीछे पीछे फॉलो करते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह ताला कोई ऐसा हुक्मरान आए हमारे जो कि हमारे जो गरीब आवाम है जो मुस्तहक लोग हैं उनका ख्याल रखें, और बस ये कि पाकिस्तान को जो है आप लोग तो आर्टिस्टों के लिए भी रॉयल्टी वो जो है एक्ट का निफाज कर दिया गया है, पता है आपको? नहीं ये मुझे नहीं पता, ये तो वज़ीर सकाफत जो है सिंध के निगरान, हाँ, उनकी जानिब से जुनैद अली शाह साहब, जुनैद अली शाह साहब की तरफ से रॉयल्टी जो आर्टिस्ट एक्ट है और चाइल्ड आर्टिस्ट एक्ट के ऊपर जो उन्होंने अमल दरामद करा दी है, जिसके बाद जितने भी आर्टिस्ट हैं जो उनकी रॉयल्टी है वो उन तक पहुंचेगी। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छे आपने टीवी चैनल के थ्रू आपने बात की राहिल भाई, मुझे भी पता चला, मुझे पता नहीं था। अभी 90 दिन में जबरदस्त शुरू हो जाएगा, और यकीनन यही दुआ कर सकते हैं हम, और बहैसियत पाकिस्तानी हमें भी अपना जिम्मेदारी और फर्ज अदा करने की जरूरत है, और पॉलिटिशियंस जो भी आए हैं जो भी हुकूमतें बन रही हैं वो मुल्क का सोचें और ख़ास तौर पर मुल्क की आवाम का सोचें। जब मुल्क के पाकिस्तान है, खुशहाली है, अमन है, उसी से ये तमाम चीज़ें हैं, उसी से आर्ट है, कल्चर है, और ये वही फॉर्म होते हैं आर्ट और कल्चर जो दुनिया में अमन का मैसेज देते हैं और साबित करते हैं कि आप पुरअमन और तहजीब याफ्ता कौमें हैं और आपकी सकाफत और तहजीब से ही दुनिया में आपकी पहचान है। कहते हैं कि अगर किसी कौम का वजूद खत्म करना है उसमें से अदब और उसकी सकाफत को खत्म कर दें तो चीजें खत्म हो जाती हैं। और आज हमारे साथ मौजूद थे अमजद राणा, और उनसे यकीनी तौर पर दिल की बातें हुई, कुछ उनके बारे में जानने का मौका मिला, किस तरह से उन्होंने इस फील्ड को चुना, क्या क्या मुश्किल फेस की, किस तरह से लोगों ने उन्हें पसंद किया, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको भी पसंद आया होगा। इसी के साथ राहिल बेग को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।